हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राजीव और राजीव टेक सोशल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ऐसे आप सब यदि पिछले सीरीज देख चुके होंगे तो इसमें अभी जो है HTML का सीरीज चल रहा है जिसमें आप बेसिक HTML सीख रहे हो, तो इसमें बहुत सारा चीज़ क्लियर हो चुका है। जैसे बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया आपका, एट्रीब्यूट क्या होता है, एलिमेंट्स क्या यूज करते हो, आप इमेज कैसे लगा सकते हो, आप पैराग्राफ और जो हेडिंग टैग कैसे यूज कर सकते हो, इस टाइप से रिलेटेड बहुत सारा चीज टॉपिक है पिछले जो क्लासेज है उसमें क्लियर हो चुका है। तो इस क्लास में हम सब देखने वाले हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट और इनलाइन लेवल एलिमेंट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ब्लॉक लेवल और इनलाइन लेवल। जिसमें ब्लॉक लेवल वो होता है जहाँ से हम कि कोई भी जो है टैग डालते हैं उसमें से पूरा 100% लेफ्ट टू राइट विड्थ 100% लेता है, और जो इनलाइन लेवल एलिमेंट है हम किसी भी पैराग्राफ के बीच में वो इनलाइन एलिमेंट को यूज करके कुछ भी ऐड कर सकते हैं। जैसे एक पैराग्राफ लेते हैं, उसके बीच में मुझे कुछ भी हेडिंग कलर डालना है, उसके लिए हमको कुछ भी डालना है, तो उसके लिए हम स्पैन जो है वो है इनलाइन लेवल एलिमेंट है। और जैसे डिव हो गया, H1 हो गया, पैराग्राफ हो गया, ये सब जो है ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। और इसमें और इसके बाद जो हो गया जो स्पैन वगैरह है वो इनलाइन है, जिसे कि हम बहुत जगह यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, आपको इसमें ध्यान से देखना चाहिए। इसके बाद जो है मैं ये भी बताऊंगा कि इससे रिलेटेड इंटरव्यू में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ब्लॉक लेवल एलिमेंट और इनलाइन लेवल एलिमेंट। तो ये सब टॉपिक है, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन कवर होने वाला है, जैसे कि आपका इंटरव्यू में कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा जाता है। तो इस टाइप से आप देख सकते हो कि ये इस टाइप का जो इन्फॉर्मेशन जो है, इस टाइप का जो इंटरव्यू में क्वेश्चन आने वाला है उसको आप इस क्लास के बाद सॉल्यूशन आपको इससे मिल जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप चलते हैं हम अपने डेस्कटॉप पे और इसमें हम देखते हैं कि हम जो है प्रैक्टिकल करके हम कैसे यूज करते हैं जो है ब्लॉक लेवल एलिमेंट और इनलाइन को। तो आप चलते हैं अपने डेस्कटॉप पे। जब ब्लॉक लेवल और इनलाइन एलिमेंट को देखने के लिए हम सबको जो है अपने नोटपैड प्लस प्लस जो है नोटपैड पे आ जाना है। नोटपैड प्लस प्लस पे हम सब यूज नहीं कर रहे हैं, सिंपली नोटपैड ओपन करना है। नोटपैड पे ओपन करने के बाद जो है यहाँ पे आपको इस टाइप का दिखेगा। यहाँ पे ये जो नोटपैड प्लस प्लस है, इधर आपका ब्राउजर है, क्योंकि मैं सिर्फ दिखाने के लिए लिया हूँ जो दोनों एक ही जो है स्क्रीन पे। तो यहाँ पे आपको डॉक टाइप HTML जो आता है वो कौन सा HTML का वर्जन डिफाइन कर रहे हो वो आपको दिखाता है। डॉक टाइप जो है उसके बाद HTML लैंग जो होता है आपका कौन सा लैंग्वेज यूज करने वाले हो आपको वो लैंग्वेज है। उसके बाद हेड टैग आता है जिसमें कि आप जो है मेटा टैग डाल सकते हो, टाइटल रहता है, स्टाइल रहता है, जावास्क्रिप्ट का फाइल रहता है। उसके बाद बॉडी जो होता है, जो भी हम बॉडी सेक्शन में लिखते हैं वो है लिखते हैं। तो हम सब ब्लॉक लेवल देखने वाले हैं, तो उसमें भी हम ब्लॉक लेवल एलिमेंट जो होता है आपको डिव जो होता है, आप डिव से ही स्टार्ट करने वाले। डिव होता है, H1 होता है, पैराग्राफ होता है, P होता है, ULLI सब जो है बहुत सारा हम दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम सब जो है डिव से स्टार्ट करते हैं। जो जब भी हमको कुछ भी HTML क्रिएट करना है तो डिव से स्टार्ट करना रहता है, जो कि है जो है इसमें ये रहता है। ये जो है कौन कौन सा एट्रीब्यूट क्रिएट करता है, इसमें आप क्लास ID और ये क्लास आईडी आप कलर जो भी है इसमें यूज कर, इसका उस पर डिपेंडेंसी रहता है। आप उसको यूज करके डिव को भी कुछ भी कर सकते हैं, और जबकि हम इनलाइन एलिमेंट में ऐसा कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं होता है, जो कि है आपको क्लास और आईडी और ये सब का ये करना रहता है। तो हम सिंपली देखते हैं यहाँ पे सिंपली हम एक ग्रुप बनाते हैं, H1 करके H1 स्टार्ट करते हैं और H1 से क्लोज करते हैं। आपको ये भी याद रखना कि div और H1 जो भी है आपको इस टाइप से ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। तो इसमें हम सबको क्या करना है, फर्स्ट ग्रुप सिंपली एक ग्रुप बनाते हैं, इसके अंदर इसके बाद जो है पैराग्राफ लेते हैं। पैराग्राफ में आपको यहाँ पे सिंपली यहाँ पे लिखते हैं दिस इज वेब लिस्ट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज।
तो यहाँ पे पैराग्राफ आप यहाँ पे देख सकते हो, सेव एज करके हम सिंपली देखते हैं, आपको एक एक लाइन में दिखा रहा है। तो यहाँ पे मतलब वही होता है, ब्लॉक लेवल मतलब होता है एक सिंगल लाइन में, स्टार्ट टू एंड होता है, स्टार्ट करके पूरा ये लाइन कवर करता है। और इसके बाद जो है यूएल, इसको भी नेस्टेड रहता है, सारा जो है टैग है नेस्टेड है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। जो भी स्टार्ट होगा उसको क्लोज करना है, नहीं तो आपका फिर HTML का एरर आ जाएगा। ये सब कोडिंग कोडिंग स्ट्रक्चर के हिसाब से जो रहता है। ये हो गया जावा, इसको कॉपी पेस्ट करके आप दो तीन ले सकते हो यहाँ पे। .NET एंगुलर, इस तरीके से आप यहाँ पे एक ये बना लियो। जब भी आपको बनाना कोडिंग करना रहता है तो आपको ये स्ट्रक्चर फॉलो करना रहता है, एक डी फिर H1 फिर P, आप ULLI मतलब लिस्ट दिखाना है तो ULLI। और यहाँ पे हम सब कलर भी डाल सकते हैं, यहाँ पे स्टाइल इक्वल टू हम सब कुछ भी डाल सकते हैं, कलर कलर ब्लू। यहाँ पे आपका कलर ब्लू हो गया, यहाँ पे दिस इज ए फर्स्ट ग्रुप, यहाँ पे आप कमेंट सेक्शन भी लिख सकते हो, यहाँ पे कमेंट डाल सकते हो, फर्स्ट ग्रुप। यहाँ से आप देख सकते हो कि यहाँ पे हम सब सिर्फ HTML में दिखाने के लिए रहेगा ये। उसके बाद एक और ग्रुप बनाते हैं जहाँ पे हम कलर ग्रीन कर देते हैं, तो इस तरीके से आप इसको यूज करके कहीं पे भी ये यूज कर कितना भी ग्रुप बनाकर देख सकते हो। इस तरीके से आपको यहाँ पे देखना है, यदि इनलाइन आपको ब्लॉक लेवल एलिमेंट देखना है तो आपको यहाँ से राइट क्लिक करना है और उसके बाद इंस्पेक्ट करना है, सिंपली राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करना है। इंस्पेक्ट करके आपको यहाँ पे आना है और यहाँ पे ये जो एरो दिख रहा है यहाँ से आपको क्लिक करना है। क्लिक करके आपको सिंपली आपको पेज पे जाना है, आपको जो है कौन सा टैग क्या है आपको ये दिखाएगा कि जो भी है इस टाइप से। ये जो लाइन दिख रहा है ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट का सिंबल है, आपको किसी कुछ भी करोगे तो आप ब्लॉक जो है इस टाइप का दिखाएगा, यही होता है ब्लॉक एलिमेंट। स्टाइल जो होता है आपका जो है कलर वगैरह जो भी है, स्टाइलिंग जो है पैराग्राफ का और कुछ भी है उसका चेंज करने के लिए जो हम स्टाइल यूज करते हैं, नहीं तो क्लास यूज करते हैं, और CSS मेनली ये होता है। तो हम सब CSS बाद में देखने वाले हैं, उसमें फुल डिटेल्स में हम सब ये सब देखेंगे, ये सब रफली अभी समझने के लिए आप देख सकते हो। ऐसे ब्लॉक एलिमेंट देखा जाए तो यू इतना के अलावे और भी एलिमेंट है जहां से कि आप देख सकते हो। यहाँ पे मैंने कॉपी करके रखा है, यहाँ पे आपको देख सकते हो कि इतना सारा ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, एड्रेस आर्टिकल ए साइड ब्लॉक कोड्स कैनवास कैनवास डी 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 एल फिल सेट फी कैप्शन हेडर HR L1 नोवा स्क्रिप्ट OL प्री स्क्रिप्ट सेक्शन T ULLI UL वीडियो। तो इस टाइप से आप इसे यूज करके देख सकते हो, आपको जो भी करना है। लेकिन आपको एड्रेस करना है तो आपको सिंपली नेस्टेड में करना पड़ेगा, यहां से ब्लैंक करना है, यहां पे आपको सिंपली कुछ भी नवी मुंबई 410025। तो इस तरीके से आप एड्रेस में एड्रेस डाल सकते हो, इस टाइप से आप डाल सकते हो, जो भी रहेगा आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। आर्टिकल में आर्टिकल रहता है, ए साइट ब्लॉक कोड्स डी बी एफ्टी डी बहुत सारा चीज इसमें मैं बता चुका हूँ। लेकिन जो भी करना है ऐसा ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, आप इसी तरीके से यूज करना पड़ेगा जो भी आपको यूज करना है। जो इसके बाद आते हैं आपको इसको, इतना मुझे उम्मीद है कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्या होता है वो आपको समझ में आ गया होगा। जो दूसरा आते हैं आपको इसे डिलीट करते हैं, अब स्पैन क्या होता है, जो HTML स्पैन टैग,
अब यहाँ पे टाइटल चेंज करेंगे तो आपको यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा, ये जो टाइटल है यहाँ पे भी चेंज हो गया। अब दूसरा जो देखते हैं स्पैन देखते हैं, यहाँ पे सिंपली इसके लिए भी डिव ले लेते हैं। डिव के अंदर एक पैराग्राफ लेते हैं, पैराग्राफ में कुछ भी लिखते हैं, पैरा पी डालकर हम दिस इज रेड कलर, दिस इज ग्रीन कलर। अब यहां पे हम सिंपली यहां पे स्पैन, अभी आप देखो तो इसको सेव करेंगे तो आपको एक लाइन में दिख रहा है, लेकिन मुझे क्या करना है, दिस इज ए रेड कलर, रेड को मुझे एक रेड कलर में डालना है। स्पैन डालकर यहां पे स्पैन, अभी हमको इसमें यदि हम सेव करते हैं तो आपको कुछ भी नहीं पता चलेगा। जब इसमें मैं सिंपली स्टाइल डालता हूं, स्टाइल इक्वल टू कलर रेड, इस टाइप से आप देखो इसको यदि हम सेव करते हैं तो आपका ये जो है, अब ये प्रॉब्लम क्यों आया कि यहां पे आपको पूरे में ले रहा है स्पैन जो है, आपको यहां तक पूरा में ही ले रहा है। क्यों? क्योंकि इसका जो मैंने बोला था नेस्टेड जो होता है, आपको नेस्टेड यहाँ पे क्लोज नहीं है, यहाँ पे सिंपली मैंने स्पैन को कॉपी करके यहाँ पे डाल दिया, तो यहाँ पे सिंपली बैक स्लैश डालना है, यहाँ से है जो इसका क्लोज हो चुका है, तो अब जो है सिंपली रेड पे हाईलाइट जो है कलर लगेगा। दूसरा इसी तरीके से आप ग्रीन पे भी कर सकते हो, स्पैन स्टाइल यहां से आप यहां पे भी कलर ग्रीन, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। यहां पे भी आपको ग्रीन के बाद जो है स्पैन को क्लोज करना है, यहां से आपको सिंपली आप करोगे तो देखो यहां पे आपको ग्रीन हो चुका है कुछ। यहाँ पे स्टाइल इक्वल टू ये हो चुका कुछ, तो यहाँ पे कुछ टैग मिसिंग था इसके वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा था। तो इस तरीके से आप सबको भी ध्यान देना है कि इस तरीके का जो कभी इशू आए तो आप सबको टैग हम ध्यान से देखना पड़ेगा कि कौन सा टैग कहाँ पे मिस हो रहा है, वहां पे आपको उसके वो सोल्व करके ये करना पड़ेगा। इस तरीके से अभी देखो मैंने क्या किया था, ये टैग मिसिंग था तो इसके बाद जो ये कलर है गायब हो गया था, ये टैग अभी मैंने ये टैग मिसिंग था, तो इसके बाद देखो आपका ये कलर तो आया था पर इसके बाद जो है वो गायब हो गया था। तो इसके लिए हम सबको क्या करना पड़ेगा, ये सब चीज ध्यान से देखना पड़ेगा, इस टाइप से ग्रीन कलर, तो इस तरीके से आप देखो यहाँ पे आपको ग्रीन और ये हो गया था। मतलब इनलाइन एलिमेंट यही होता है कि आपको इनलाइन में कुछ भी लिखना है तो आपको इसके बीच में कुछ भी डालना है तो आप यहाँ पे डाल सकते हो, किसी भी पैराग्राफ में कुछ भी हेडिंग के अंदर कुछ डालना है तो उस हिसाब से कर सकते हो। अब इनलाइन एलिमेंट जो है यहाँ पे भी बहुत सारा जो है इनलाइन एलिमेंट है, जहां पे कि आप देख सकते हो कि इस टाइप से जो भी एलिमेंट होता है यहाँ पे आप देख सकते हो, ए हो गया एब्रीविएशन एक्रोनिम, बी बोल्ड, बी बी आर बटन, सी, ये सब चीज जो है सारा इनलाइन एलिमेंट है। कुछ कुछ आपको नेस्टेड भी है, कुछ कुछ नहीं नेस्टेड भी है, बी आर जैसे है आपको नेस्टेड नहीं होता है, बटन जो है नेस्टेड होता है, सी टी जो है ये सब सब नेस्टेड में आ जाएगा। मतलब कि आपको स्टार्ट करना है, एंड करना है, एब्रिविएशन ये भी करना है। बटन में कैसे लिखना है, बटन में यदि बटन बनाते हो तो बटन में सिंपली ये करना है, क्लोजिंग टैग भी इसका इस तरीके से होगा, इस तरीके से यहाँ पे क्लोज टैग दे सकते हो। अब यहां पे हम क्या करेंगे, इस तरीके से आपको ऐसा बटन आ जाएगा।
बटन में ये बैक स्लैश, इसमें भी ये मिस हुआ था, इसके वजह से ये हो रहा है। अब इस तरीके से बटन आ जाता है, इस तरीके से आप यहाँ पे भी लिख सकते हो बटन बनाने के लिए। तो इस तरीके से जो है ब्लॉक लेवल और इनलाइन एलिमेंट जो है इस तरीके से ही यूज होता है, और आप इसे यूज करके देख सकते हो। इसमें बहुत सारा चीज है जो कि आप ये कर सकते हो। तो फिलहाल इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं, और इसके बाद जो देखते हैं कि नेक्स्ट टैग में, नेक्स्ट में अपने को क्या आने वाला है। तो फ्रेंड्स, आज के क्लासेज में हम सब ने देखा जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है और इनलाइन लेवल एलिमेंट है, वो उसको यूज हम एचटीएमएल में कैसे करते हैं, और इसका यूज क्या है, और इसका इंटरव्यू में क्या इंपॉर्टेंस है। तो इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, और इससे कुछ भी हो तो ऐसा आप इंस्टाग्राम पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, वहां से भी मैं जवाब देने का कोशिश करूंगा। उसके बाद आपको ये वीडियो कैसा लगा ये तब मुझे पता चलेगा जब आप कमेंट करके बताओगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक करो, अपने फ्रेंड को भी शेयर करो ताकि वो भी कुछ सीख सकें। यदि आप इस चैनल पर नए हो और इस टाइप का इन्फॉर्मेशनल जो है वीडियो आपको पसंद आता है, आपको कुछ सीखने के लिए मिलता है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और जाते जाते बेल आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि कोई भी ऐसे वीडियो में बनाऊँ तो नोटिफिकेशन आपको ईजी तरीके से मिल सके। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।